इस सवाल को भी हम लोग डिटेल में समझेंगे, आराम से समझेंगे, ठीक है। एक बार अगर समझ में आ गया तो आपके दिमाग से जाने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या सवाल है, देखिए यहाँ पे सवाल है, आप लिख भी सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 6 मज़दूर किसी भी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो बोला क्या गया है कि 21 मज़दूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो x का मान निकालना है, इसमें विपरीत का नियम लगा हुआ है, ठीक है। याद रखना, विपरीत का नियम में क्या है कि तीर एक दूसरे से उल्टे होते हैं, ठीक है। अगर तीर नीचे है तो यहाँ पे ऊपर होगा, यहाँ पे ऊपर है तो नीचे होगा, तो ये बात अपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि अगर मज़दूर जो हैं अगर बढ़ रहे हैं तो दिन क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मज़दूर कम हो तो उसी काम को करने में ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। जल्दी काम करने के लिए क्या मज़दूर बढ़ा दिए गए तो दिन क्या है, कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से कम वैल्यू आएगी, ये भी बात अपने दिमाग में रखना, ठीक है। अब जब भी वैल्यू रखेंगे तो ये बात दिमाग में रखना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से अलग होगी। जैसे यहाँ पे 6/21 है, ठीक है, जैसा दिख रहा वैसा लग दिया, ठीक है। अब उल्टा करना है इसका, पहले ऊपर 6 था, इसका उल्टा करना है 1/7, ठीक है। अब बात समझ में आ रही होगी, क्रॉस गुणा कर देंगे। नहीं समझ में आ रही तो ट्रिक के साथ समझते हैं सीधे डायरेक्ट, ठीक है। 6 मज़दूर किसी भी काम को करते हैं 7 दिन में बराबर, ठीक है। 21 मज़दूर उसी काम को कितना दिन लगाएंगे, ठीक है। तो x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 6/7/21। मैंने सीधा सा सवाल लगा दिया, ठीक है, सीधे सीधे लगा दिए, 7 + 21 3 × 2 = 6। यहाँ पे x का मान आ जाएगा 2 दिन, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी। कुछ लोग ये इस वाली वैल्यू को इस तरीके से भी रखते हैं, यहाँ पर क्या है कि 6/21, ठीक है, समानुपात, ठीक है, समानुपात करेंगे और ये वाली वैल्यू जो है 1/7। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। या तो ये कर लीजिए, अब यहाँ पर क्या है कि बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर गुणा, बस इतना सा है, इसमें भी गुणा वही हो रहा है। चाहे आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, चाहे आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बात एक ही है, ठीक है। दोस्तों अगर आपका कन्फ्यूजन इस वीडियो में इस सवाल के लिए अगर कंप्लीट हो गया है, दूर हो गया है, तो आप इस वीडियो को अगर चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।